आइए आज हम लोग क्लास तीन में एक छोटा सा अंतर देखेंगे कि जीरो अर्थात शून्य और इंग्लिश अल्फाबेट का ओ दोनों में क्या अंतर है। आप लोग जानते ही होंगे कि जीरो और ओ में क्या अंतर है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यहां पे जीरो और ओ में क्या अंतर है। शून्य और ओ में अंतर, हम लोग पढ़ेंगे शून्य और ओ में अंतर। शून्य और ओ में अंतर, शून्य हो गया डिजिट अंक, ओ हो गया इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर। डिफरेंट बिटवीन ओ एंड जीरो, आज क्लास तीन में हम लोग पढ़ेंगे शून्य और ओ में अंतर, डिफरेंट बिटवीन ओ एंड जीरो। आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे दोनों को। पहला पॉइंट इसमें हो गया ओ और शून्य, ओ और शून्य दोनों में हम लोग अंतर समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। पहले हम लोग जानते हैं शून्य को, शून्य जैसे बोले आप लोग समझ गए होंगे ये अंक है, डिजिट है। तो शून्य का जो आकार होता है अंडाकार होता है। जबकि अगर बात हम ओ का करें, ओ का आकार गोलाकार होता है। शून्य और ओ में अंतर को हम लोग समझ रहे हैं तो शून्य का आकार जो है अंडाकार होता है जबकि ओ का आकार गोलाकार होता है। यहां ओ जो है इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है। और यहां शून्य जो है अंक है, अंक यानी डिजिट। शून्य का आकार जो है ओ के आकार की अपेक्षा इससे लंबा होता है, अर्थात दोनों में अंतर समझिए। ये आपका ओ हो गया और ये शून्य हो गया, ये गोलाकार है और ये इसकी अपेक्षा लंबा है, अर्थात ओ की अपेक्षा लंबा भी है और अंडाकार भी है। ये हो गया इसका आकार जो है, आकार के आधार पर इसको हम ओ और इसको शून्य कह सकते हैं। ये ओ हो गया और ये शून्य हो गया। ओ का आकार गोलाकार है, जैसे हीरो में ओ का आकार गोलाकार है, मोटो में ओ का आकार गोलाकार है, यहाँ
जीरो का आकार अंडाकार है, जैसे फोन नंबर में जीरो का